बड़ी खबर। दो हत्याकांड से दिल्ली उपराजधानी नागपुर में एक ही दिन में दिल दहला देने वाला दो हत्याकांड मामला सामने आने से उपराजधानी में तहलका मच गया। लोकसभा चुनाव सामने होकर उपराजधानी में गुंडों ने हदों खड़ा किया है। इसी कारण कायदा और सुव्यवस्था लिए काफी मायने में प्रश्न पैदा किए जा रहे हैं। इसके चलते सामान्य लोगों में काफी मात्रा से डर पैदा हुआ है। गणेशपेट थाना क्षेत्र में होली की रात को एक ही समय में कुख्यात गुनेगार अविनाश सीताराम भेंगे उम्र 60 वर्ष की बताई जा रही है। कन्नाबाग में यह होली की रात में मधुकर तुकाराम शेंडे उम्र 51 और अमोल और भूरा खरसेड़ी उम्र 23 पार्टी इनके साथ बैठे थे। तभी रात 1 बजे के आसपास अविनाश ने भूरा को दारू पीने के लिए पैसे मांगे। उसने पैसे न देने से मना कर दिया था और अविनाश को गाली गलौज करने लगा। इसके चलते गुस्से में भूरा ने अविनाश के साथ मारपीट की और जमीन के तरफ ढकेल दिया। सीमेंट का रास्ता होने की वजह से उसने सर में बड़ी चोट आ गई, जिसकी वजह से उसकी जगह पर मौत हो गई थी। भूरा डर कर वहाँ से भाग निकला। तभी शेंडे नामक युवक ने पुलिस को जानकारी दी। पुलिस घटना स्थल पर पहुँच कर उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया था। अविनाश ने कुख्यात गुनेगार होकर एक समय उसके नाम की परिसर में दहशत होती थी। इसी तरह से दूसरी घटना अजनी पुलिस थाने में शुक्रवार देर रात घटी। बुद्धराम केतवास उम्र 50 अजनी ऐसा एक मृतक का नाम होकर इस मामले में बादल प्रधान 24 और रशीद डुकरे 28 वर्ष ऐसे आरोपी के नाम होकर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ऑटो चालक होकर कुछ दिन पहले ही बुद्धिराम ने ऑटो खरीदा था। शुक्रवार शाम को बादल ही अपनी पत्नी को लेकर अस्पताल गया था। उसने बुद्धिराम से ऑटो मांगा। अस्पताल से देरी होने के कारण बुद्धिराम ने बादल को गाली गलौज किया, जिसके चलते बादल को गुस्सा आ गया। उसने रशीद के साथ मिलकर रात को करीब 12 बजे बुद्धिमान को देख उसका तकिया से मुंह दबाकर चाकू से गला काट कर उसके बाद बुद्धिराम के पैर में बड़ा सा पत्थर बांध कर कुएं में फेंक दिया। उसी दरमियान बुद्धिमान की पत्नी देर रात 3 बजे भाई के घर से आई और उसने घर में खून देखा और उसका पति घर पर नहीं होने के कारण उसने पुलिस नियंत्रण कक्ष को खबर की। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर गुना दाखिल कर लिया और छानबीन की कुछ घंटे बाद ही आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया। आगे की कार्यवाही फिलहाल पुलिस कर रही है। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए एमएनएस हिंदी ऐप आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तब तक के लिए धन्यवाद।